केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजधानी दिल्ली में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स को संबोधित किया। किसानों के सम्मान का ये कार्यक्रम कृषि जागरण द्वारा आयोजित किया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में गेहूं और चावल का उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन हमें खेती के समय प्रति एकड़ खर्च कम करना होगा। हमारे देश में गेहूं और चावल का उत्पादन अच्छा है, पर हमारे यहां डिमांड एंड सप्लाई में गेहूं और चावल का अगर आप अध्ययन करोगे तो पिछले 15 साल में फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड की प्राइसेस कितने बढ़ी है, सीमेंट और स्टील की कितनी बढ़ी है और चावल और गेहूं की कितनी बढ़ी है, अध्ययन करिए। यह तो स्वाभाविक है कि डिमांड एंड सप्लाई के कारण हमारे यहां सरप्लस प्रोडक्शन के कारण हमको कीमत बढ़ नहीं रही। फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ रही है, इंसेक्टिसाइड की कीमत बढ़ रही है, सीड की कीमत बढ़ रही है। हमारे देश में पर एकड़ जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो ज्यादा है, और इसलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो हमें पर एकड़ हमारी एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना होगा, खर्चे को कम करना पड़ेगा, उत्पादन खर्चा को कम करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।